दोस्तों फिर से आपके लिए शानदार ट्रेजर हंटिंग मूवी को लेकर आया हूँ। ये मूवी सभी एक से बढ़कर एक है और दोस्तों ये सभी मूवी IMDb की हायर रेटिंग वाली मूवी है। अब आप समझ चुके होंगे कि इनकी स्टोरी बहुत ही शानदार है और दोस्तों ये ज़्यादातर मूवी सभी सिंगल पार्ट्स की हैं। तो दोस्तों बिना देरी के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मूवी नंबर 7, दोस्तों ट्रेजर हंटिंग के मामले में ये मूवी बहुत ही शानदार है। इस मूवी में एक ऐसे गुप्त जहाज को ढूंढा जाता है जो कि कई सौ साल पहले बहुत सारा खजाना लेकर चला था और उसमें इतना सोना था कि कई सारे देश आपस में लड़ने लगे थे, लेकिन वो खजाना किसी के भी हाथ नहीं लगता है और वो समुद्री जहाज कहीं इस दुनिया में खो जाता है। और बाद में इस मूवी के लीड रोल डिक और एल नाम के लड़के और ईवा नाम की लड़की उस खजाने की खोज करते हैं। वो सिर्फ सहारा के मशहूर डेजर्ट में मिलता है और इन्हीं सब के बीच आपको बहुत सारा एडवेंचर एक्शन भी देखने को मिलेगा। तो आप इस मूवी को ज़रूर देखना। ये मूवी सन 2005 में रिलीज़ की गई थी। इस मूवी का नाम सहारा है और इसको IMDb ने 6 की रेटिंग दी है 8/10 में से। मूवी नंबर 6, दोस्तों ये भी एक मस्त ट्रेजर हंटिंग वाली मूवी है और ये भी हायर IMDb रेटिंग वाली मूवी है। तो आप समझ चुके होंगे कि ये मूवी कितनी मस्त होगी। इस मूवी में एक लड़कों का ग्रुप होता है, उनके पेरेंट्स का घर कर्ज की वजह से नीलाम होने वाला होता है, लेकिन उन बच्चों को पुराने कबाड़ में से एक ट्रेजर का मैप मिलता है और वो उसे ढूंढने निकल जाते हैं। और वो खजाना ढूंढने के लिए क्या क्या करते हैं और कैसे उन सभी सबूतों को जोड़कर उस आइलैंड पर पहुंचते हैं जहां पर एक समुद्री लुटेर का खजाना छुपा होता है, और वो सभी ट्रैप्ड को कैसे पार करते हैं, आप इस मूवी को खुद देख लेना। ये एक धमाकेदार मूवी है। इस मूवी का नाम द गूनीज है। ये मूवी सन 1985 में रिलीज़ की गई थी और दोस्तों इसको IMDb ने 7.7 की रेटिंग दी है 8/10 में से। तो आप इस मूवी को ज़रूर देखना, ये बहुत बेस्ट मूवी है। मूवी नंबर 5, दोस्तों अगर आपको ट्रेजर हंटिंग के साथ जंगल एडवेंचर पसंद है तो ये मूवी आपके लिए बहुत ही खास होने वाली है, क्योंकि इसमें जंगल एडवेंचर के साथ लीड रोल को द ड्वेन जॉनसन रॉक ने प्ले किया है। इस मूवी में रॉक पैसे लेकर सभी काम करता है। इसमें एक अमीर बाप का बेटा होता है जो अमेजोन के जंगल में एक ट्रेजर मूर्ति की खोज करने जाता है और वो वहाँ से लौट कर नहीं आता है। फिर उसका बाप रॉक को ये काम देता है तो रॉक उसे लेने अमेजोन जाता है, लेकिन वहाँ कुछ गुंडे उस मूर्ति के पीछे पड़ जाते हैं जो कि बहुत कीमती होती है। और फिर आप देखना कि वो कैसे उस लड़के के साथ उस मूर्ति को ढूंढता है और उन आदिवासियों को दे देता है। और हाँ दोस्तों, इसमें रॉक है तो बिना एक्शन के ये मूवी पूरी नहीं हुई, तो इसमें आपको बहुत सारे एक्शन सीन देखने को मिलेंगे। कुल मिलाकर एडवेंचर, एक्शन, कॉमेडी और ट्रेजर हंटिंग सब कुछ मिलेगा। इस मूवी का नाम द रनडाउन है। इस मूवी को 2003 में रिलीज़ किया गया था और इसको IMDb ने 6.6 की रेटिंग दी है 8/10 में से। मूवी नंबर 4, दोस्तों अगर आपको वेस्टर्न मूवी पसंद है तो ये मूवी आपके लिए बहुत ही बेस्ट है और ये भी एक ट्रेजर हंटिंग मूवी है। दोस्तों इसकी स्टोरी सबसे हटकर है। दोस्तों इस मूवी को लीड रोल को जॉनी डेप ने निभाया है, जिसने मशहूर रोल जैक स्पैरो का निभाया था। आपको थोड़ा स्टोरी बता दूं ताकि आप ज़्यादा एक्साइटेड हो जाओ मूवी देखने के लिए। दोस्तों इसमें कोई स्पॉइलर नहीं है, सिर्फ इसकी ट्रेजर डिटेल को बताया है। दोस्तों जब जॉनी डेप छोटा होता है तब उसे दो अमेरिकी मिलते हैं अधमरी हालत में। वो उन्हें अपने कबीले में ले जाता है। जब वो ठीक हो जाते हैं तब वो नदी में पानी पीने के लिए जाते हैं, तब उन्हें एक चमकदार पत्थर दिखता है। वो पत्थर एक चांदी का होता है। वो उस नदी का पता पूछते हैं जॉनी से। जब वो बता देता है तो उन कबीले के सभी को मार कर वो वहाँ से चले जाते हैं। फिर जॉनी पूरी उम्र उन लोगों को ढूंढता है अपना बदला लेने के लिए, और उसी के साथ उन चोरों को खजाना लूटने से भी रोकता है। दोस्तों इसमें एक और करेक्टर होता है जो कि लीड रोल होता है। तो आप जब आप ये मूवी देखेंगे तो आपको सब मालूम पड़ जाएगा। इस मूवी का नाम लॉन रेंजर है। ये मूवी सन 2013 में रिलीज़ की गई थी और इसको IMDb ने 6.4 की रेटिंग दी है 8/10 में से। मूवी नंबर 3, दोस्तों इस मूवी के बारे में आपसे क्या कहूँ, ये मेरी फेवरेट मूवी में से एक है क्योंकि इसकी स्टार कट बहुत ही दांसू है। इसमें लीड रोल को द ड्वेन जॉनसन रॉक ने निभाया है और उसी के साथ रियान रेनॉल्ड भी हैं, जिसने फेमस डेडपूल का रोल प्ले किया था। और उसी के साथ इसमें गैल गैडोट भी है जो कि वंडर वुमन का रोल प्ले कर चुकी हैं। तो दोस्तों इस मूवी में भी ट्रेजर ढूंढा जाता है। दोस्तों इसकी स्टोरी बहुत ही सस्पेंसफुल है और आप टेंशन ना लें, मैं इस मूवी के बारे में ऐसी कोई बात नहीं बताऊंगा जिससे आपका सस्पेंस ख़राब हो जाए या ये मूवी स्पॉइल हो जाए। आपने कभी रानी क्लियोपेट्रा के बारे में तो सुना ही होगा, अगर नहीं सुना तो कोई बात नहीं, आप जब ये मूवी देखोगे तो समझ जाओगे।
उसमें उस रानी के पास 3 नायाब सोने के बहुत बड़े अंडे होते हैं और उन्हीं अंडों को इसमें ढूंढा जाता है कि कैसे वो समय के साथ अंडे गायब हो जाते हैं और फिर कैसे उसकी खोज की जाती है। दोस्तों इसमें ये तीनों लीड रोल के बारे में एक बहुत बड़ा सस्पेंस है। मुझे पता है कि आप जब ये मूवी देखोगे तो आपको एंड में एक बहुत बड़ा झटका लगेगा। और दोस्तों इस मूवी के बारे में इसलिए मैं और कुछ नहीं कह रहा, बस इतना कहूँगा कि आप इस मूवी को ज़रूर देखना। मैं दावा करता हूँ ये मूवी आपको धमाकेदार लगेगी। और हाँ दोस्तों, इसमें आपको बहुत ही शानदार एक्शन सीन भी देखने को मिलेंगे। ये मूवी सन 2021 में रिलीज़ की गई थी और इसका नाम रेड नोटिस है और इसको IMDb ने 6.3 की रेटिंग दी थी आउट ऑफ 10 में से। दोस्तों मैं एक बार फिर से कहता हूँ, आप इस मूवी को ज़रूर देखना, ये बहुत ही शानदार मूवी है। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ इस रेड बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और इस बेल आइकन को ज़रूर दबा देना ताकि जब मैं ऐसी लेटेस्ट वीडियो डालूँ तो आपके पास तुरंत पहुँच जाए। नंबर 2, इंडियाना जोन्स एंड टेम्पल ऑफ द डूम। दोस्तों अगर आपने इंडियाना जोन्स के बाकी सारे पार्ट देखे हैं तो आपको ये बताने की ज़रूरत नहीं कि ये मूवी कितनी बेस्ट होगी। ये मूवी इंडिया वालों के लिए बहुत खास मूवी है क्योंकि इसकी ट्रीजर हिस्ट्री इंडियन मेथोडोलॉजी के हिसाब से है। दोस्तों अब इंडियाना जोन्स टेम्पल ऑफ डूम की बात करते हैं। दोस्तों इसमें विलन का रोल हमारे बॉलीवुड का दिग्गज अभिनेता अवनीश पुरी ने निभाया है। जी हाँ दोस्तों, वो भी हॉलीवुड में। इंडियाना जोन्स के पहले पार्ट में वो जादुई संदूक की खोज करता है, उसके बाद आगे की स्टोरी है। इंडियाना जोन्स चाइना से जा रहा था तो उसका प्लान क्रैश हो जाता है और वो इंडिया में आ जाता है, जहाँ पर वो उन लोगों के पास पहुँचता है जो भगवान शिव से प्रार्थना करते हैं कि कोई उनकी मदद कर दे, क्योंकि वहाँ पर एक मुसीबत आ गई थी। वहाँ भगवान के शिव के लिंग जैसे 5 पत्थर होते हैं जो कि बहुत ही शक्तिशाली होते हैं। उन्हें वहाँ से एक पुजारी चुरा लेता है, लेकिन उस पुजारी के पास 3 पत्थर ही मिलते हैं। वो बाकी 2 पत्थर वहाँ के सभी बच्चों से खुदाई करवा कर निकलवाना चाहता है क्योंकि वो वहीं कहीं खो जाते हैं। तो इंडियाना जोन्स वही पत्थर लेने के लिए जाता है जिन पत्थरों को संकरा कहा जाता है। दोस्तों मैंने इस मूवी के बारे में थोड़ा हिंट दिया है, ज़्यादा बताऊंगा तो मूवी स्पॉइल हो जाएगी। दोस्तों आप इस मूवी को देखना, इसमें बहुत सारी मिस्ट्री है और इस मूवी में कुछ सीन ऐसे हैं जिसे देखकर आपके होश उड़ने वाले हैं, तो आप इस मूवी को ज़रूर देखना। ये मूवी सन 1984 में रिलीज़ की गई थी और ये एक हायर IMDb रेटिंग वाली ही मूवी है। इसको IMDb ने 7.5 की रेटिंग दी है आउट ऑफ 10 में से। मूवी नंबर 1, द पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन ऑन स्ट्रेंजर टाइड। इस मूवी को मैंने नंबर 1 पर रखा है क्योंकि ये मूवी नंबर 1 के लायक है और जब आप देखेंगे तो आप भी यही कहेंगे। दोस्तों बेसिकली एक ट्रीजर हंटिंग वाली मूवी है, और हो भी क्यों ना, क्योंकि ये मूवी समुद्री लुटेरों वाली मूवी है। दोस्तों इसमें ट्रीजर जो कि गोल्ड या डायमंड तो मिलता ही है, इसमें एक ऐसा खजाना ढूंढा जाता है जिसे दुनिया का हर आदमी लेना चाहेगा और वो होता है अमृत। दोस्तों इस मूवी में जैक एक ऐसे अमृत की खोज करता है जिससे वो अमर हो सकता है। दोस्तों ये मूवी पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन का बेस्ट पार्ट है। इस मूवी में आपको बहुत ही शानदार एक्शन, फैंटसी, मैजिक ये सभी देखने को मिलेगा। ये बहुत ही शानदार मूवी है और ये मूवी मेरी फेवरेट मूवी में से एक है। और मैं दावा करता हूँ कि जब आप ये मूवी एक बार देखोगे तो जैक स्पोरो को फैन हो जाओगे। दोस्तों इस मूवी को 2011 में रिलीज़ किया गया था और इसको IMDb ने 6.6 की रेटिंग दी आउट ऑफ 10 में से। दोस्तों हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा कि आप किस मूवी को देखना चाहते हैं। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको एक लाइक ज़रूर कर देना। और दोस्तों हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके और मैं आपके लिए ऐसी वीडियोज़ को लाता रहूँ। तब तक के लिए फिट रहिए, बाय बाय।